तेरा तेरा बाप देते है क्या गैस? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? क्या हो गया? तो कर दिया, आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कैंसिल किया है ना, तो हमारी क्या गलती हो गया? दो तो यदि आप एक महिला हैं और ऑनलाइन कैब या ऑटो बुक करके सफर करती हैं, तो ये खबर, ये वीडियो आपके काम की है। ये वीडियो आपको झकझोर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन ड्राइव बुक करने के बारे में 100 बार सोचेंगी। ताजा वीडियो है बेंगलुरु का, जहां पर एक ओला ऑटो ड्राइवर राइड कैंसिल करने पर इस तरह भड़क गया कि उसने लड़की जिसने ऑटो बुक की थी, ओला राइड बुक की थी, उसको थप्पड़ जड़ दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको पूरा माजरा बताते हैं। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ मत बोलिए मुझे। और जो थप्पड़ मारा मुझे, उसका क्या करूँ मैं आपसे? आप करके बात कर रही हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, किस तरह से ऑटो ड्राइवर राइड कैंसिल होने के बाद बिलखता सा नजर आ रहा है, बेहद भड़कता नजर आ रहा है। लड़की दूसरी ऑटो में जाकर बैठी तो वो ड्राइवर के सामने आकर खड़ा हो गया और सीट के पास आकर लड़कियों को धमकाने लगा। ऑटो ड्राइवर ने जब लड़की के साथ बदतमीजी की तो लड़की ने कहा कि वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी, लेकिन इस बात का भी उस ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो धमकाने लगा कि चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ओला ऑटो ड्राइवर लड़कियों पर इस कदर भड़का कि उसने थप्पड़ जड़ा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। जब लड़की ने ऑटो ड्राइवर से ये कहा कि आप चिल्ला क्यों रहे हैं, तो ड्राइवर ने कहा कि गैस तेरा बाप देता है क्या? लड़की ने कहा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसने पूछा, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, पर आप ऐसा कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने ऑटो ड्राइवर का सपोर्ट किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बेंगलुरु जैसी मेट्रो सिटीज में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? क्या महिलाएं सच में सुरक्षित है? क्या ये ऑनलाइन बुकिंग राइड्स सचमुच आपको एक सुरक्षित सफर दे सकती है? जो कि इस वीडियो को देखकर बिल्कुल नहीं लगता। जाहिर तौर पर वीडियो ने आपको भी हैरानी में डाल दिया होगा। लड़की बार बार कहती है कि आपका ऑटो सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर दिखा रहा था, जिसका मतलब साफ है कि ऑटो वाले को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी पिकअप लोकेशन तक पहुंचने में, और उसने इस तरह से बदतमीजी की, यहां तक कह डाला कि गैस तेरा बाप भरवाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर 1 मिनट की दूरी पर ऑटो है तो आपकी गैस की भी बर्बादी नहीं हुई। तो ये सवाल उठते हैं बेंगलुरु प्रशासन पर, बेंगलुरु की व्यवस्था पर, जो इस तरह से महिलाओं के ऊपर बदतमीजी, महिलाओं के ऊपर बर्बरता झेल रहा है। हालांकि अब खबर है कि ऑटो ड्राइवर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं पर सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसकी बड़ी वजह बनी कि अब ऑटो ड्राइवर को अपने किए पर निश्चित रूप से पछतावा होगा। बहरहाल वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जाकर कमेंट करें, अपनी राय रखें। तमाम बड़ी खबरों और वायरल अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।